अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि आप जानते होंगे कि हम अपने चैनल में लखनऊ की काफ़ी चीज़ों के बारे में बताते हैं। आज हम आपको रूबरू कराएंगे लखनऊ के ज़री के काम से, जो यहाँ का बहुत माना और जाना हुआ काम है। और इस टाइम हम हैं फरीद आलम साहब के कारखाने में, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत हो गई बीजेपी की बातें, बहुत हो गई कांग्रेस की बातें, बहुत हो गई हिंदू मुसलमान की बातें, बहुत हो गई पाकिस्तान हिंदुस्तान की बातें। अभी चल रहा है हाल ही में कश्मीर का मुद्दा, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जो लोग बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं, बेरोज़गारी से रह रहे हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा? उन बाहर के मुद्दों को देखते हुए इंसान को चाहिए कि अपने देश के अंदर के लोगों के बारे में सोचे। इसी की गुफ्तगू करने के लिए हम फरीद आलम साहब के आए, जो बताएंगे इस काम के बारे में क्या माहौल चल रहा है, पिछले 5-6 सालों में क्या गुजरी है इस काम करने वाले लोगों के ऊपर। जी बताइए। मेहमान रही, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा काम बहुत अच्छा था एक ज़माने में, ये 5-6 सालों में हमारे काम पे वो आफत आ गई है कि हमारा काम बिल्कुल उजड़ गया है। हमको पैसा नहीं मिलता है, हमारे कारीगरों मजदूरी नहीं मिलती है, बड़े लोग इसको और कम कर दे रहे हैं, और धंधा इतना ख़राब हो गया है कि कोई इसके पास पैसा किसी पास नहीं है। मालदार लोगों का कारोबार ख़राब हो गया है, वो कुछ ख़रीदेंगे तो हम लोग का कुछ बिकेगा, हम लोग कैसे काम करेंगे? हमारे छोटे बच्चे हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, सब कुछ करना है। हमारे साथ हमारे 4 भाई बैठे हुए हैं, इनसे भी काम हो रहा है, ये सब परेशान है। इतना गरीबी इस काम में आ गई है, पहले हम लोग करते थे शायद साल में 1-8 महीना खराब होता था, अब साल के जो है 6-7 महीने खराब होते, 5-6 महीने खाली काम रहेगी उसके अंदर, और उसमें वो मजदूरी नहीं मिल रही जो मिलना चाहिए। नहीं तो सरकार जो आई तो इससे क्या उम्मीद है? सरकार ने कुछ ये इस तबके के लिए कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बुनकरों के लिए कानून बनेगा, कौन सा कानून बना, कब बना, कहाँ बना, कुछ पता भी नहीं चलता है कि कुछ किसी को कोई सुविधा मिल रही हो ना मिल रही हो, कुछ आपने इसके बारे में पता किया कभी? पता सब कुछ किया, सरकार सिर्फ कागज़ पर जो काम कर रही है कर रही है, हकीकत में ऐसा कोई काम नहीं है। हकीकत में कुछ कर नहीं चाहती हूँ, हकीकत में इसके बाद एक काम है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, दूसरा कोई काम नहीं है। रोज़गार दे नहीं पा रही है, पढ़े लिखे लोग भी परेशान हैं, उनको भी काम मिल रहा है, कारोबार बंद हो रहे हैं, प्लांट बंद हो रहे हैं, बड़े बड़े सक्सेस जो कंपनियाँ थी वो बंद हो जा रही हैं। सिर्फ इनको ये लगता है कि ये अच्छे रहे, बाकी सब बुरे हैं, बाकी का ये सबसे बुरे यही लोग, ये लोग कुछ दे नहीं पा रहे किसी। चलिए देखते हैं अब कुछ, शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचे तो कुछ उम्मीद हो सकती है कि इस काम के बारे में कुछ सोचा जा सके। हम लोग चाहते हैं कि योगी साहब को कुछ करें, कुछ जो लोग सोचे सबके लिए होते हैं, खाली हमें नहीं, लखनऊ में जितने लोग रहते हैं इसके बारे में सोचें, उनका सबका उनका अधिकार है और सबने उनको वोट किया और चाहते हैं फिर से जीत के आए, लेकिन हम लोग के लिए कुछ करें वो, और गरीबों के लिए खासकर कुछ करें, और अमीरों के लिए भी जो बेचारे काम करेंगे कुछ कमाएंगे कुछ खर्चा करें तो हम लोग का रोजी चलेगी, वरना हम लोग धंधा भी इसी चलता है, वरना हम लोग बेकार इसके लिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे इस वीडियो में अपने बयान को दिया, इंटरव्यू दिया, और हम यही चाहते हैं कि सरकार कुछ इस काम के बारे में सोचे। इस काम से लोग बहुत पिछड़ रहे हैं, लखनऊ की एक पहचान थी इस काम से, और अब आने वाली सरकार सोचे कि इस हाथ के काम करने वाले लोगों के लिए कुछ ना कुछ फैसला करे। आगे सरकार को सोचना है, हम तो बस वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं। और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, आदाब।